यहाँ पे हम लोग एल्गी के लाइफ साइकिल को पढ़ रहे हैं। एल्गी का लाइफ साइकिल जो है 5 तरह का होता है, जिसे क्रमशः हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, आइसोमेरिक टाइप, हेट्रोमॉर्फिक टाइप और ट्राइफेजिक टाइप हम लोग कहते हैं। इसमें से पहला जो टाइप है वो हैप्लॉन्टिक टाइप है। यह मुख्यतः क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, उडोमोनियम और कारा जैसे एल्गी में देखा जा सकता है आसानी से। ठीक है, इसमें जो चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज जो होता है इस तरह के प्लांट में वो प्रमुख होता है। हैप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड अवस्था लंबे समय के लिए और डिप्लॉयड अवस्था बहुत कम समय के लिए होता है। इसमें डिप्लॉयड अवस्था केवल जाइगोट के फॉर्म में ही दिखाई देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले गैमेट जो हैं वो जाइगोट के रूप में ही डिप्लॉयड स्टेज को दिखाते हैं। जाइगोट शीघ्र ही जल्दी ही मियोसिस से डिवीजन करके मियोस्पोर बना लेता है। मियोस्पोर के पास भी हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं और ये जर्मिनेट होकर के वापस फिर से गैमेटोफाइटिक स्टेज को, एल्गी गैमेटोफाइटिक स्टेज को बना देते हैं। गैमेटोफाइट की सारी कोशिकाएँ जो होती हैं, सभी कोशिकाएँ हैप्लॉयड स्टेज में होती हैं। दे बियर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और इनमें से ही कोई कोशिका गैमेटेंजिया की तरह परिपक्व होने पर गैमेटेंजिया की तरह व्यवहार करती है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। ये जो गैमेट्स हैं वो आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, जिनके फ्यूजन से पुनः जाइगोट का निर्माण हो जाता है, फिर से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। हम लोग हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल को जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि लिखा हुआ है हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। इसमें होता क्या है कि एल्गी जो है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में होता है और उसके गैमेटेंजिया हैप्लॉयड गैमेट को उत्पन्न करते हैं। द गैमेट्स फ्यूज रिजल्टिंग अ डिप्लॉयड जाइगोट। गैमेट्स के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, विच इज़ द ओनली डिप्लॉयड फेज ऑफ लाइफ साइकिल। ये अकेला ऐसा अवस्था है, जाइगोट अकेला ऐसा अवस्था है जो हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज को प्रदर्शित करता है। शीघ्र ही डिप्लॉयड जाइगोट लिख रखा है, डिप्लॉयड जाइगोट अंडरगोइंग मियोसिस प्रोड्यूसिंग 4 हैप्लॉयड मियोस्पोर। जल्दी ही जाइगोट मियोसिस से डिवीजन करता है, जिसके फलस्वरूप 4 मियोस्पोर बनते हैं। मियोस्पोर का मतलब होता है कि ईच स्पोर हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ईच स्पोर हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड क्रोमोसोम। ये जो स्पोर्स होते हैं वो जल्दी ही विभाजन करके फिर से एल्गी के नए गैमेटोफाइट को उत्पन्न कर देते हैं। दस देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉयड प्लांट विद डिप्लॉयड जाइगोट। यहाँ पर वो कह रहा है पीढ़ी एकांतरण की क्रिया दिखाई दे रही है। हैप्लॉयड एल्गी, हैप्लॉयड प्लांट जो है एल्गी का, वो डिप्लॉयड जाइगोट द्वारा एकांतरित होता है और पुनः डिप्लॉयड जाइगोट फिर से हैप्लॉयड गैमेटोफाइट को बनाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल पहले हमने बोल दिया है, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, उडोमोनियम और कारा। ठीक है, एक सामान्य लाइन में हम लोग ये समझ सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड स्टेज लंबे समय तक तथा डिप्लॉयड स्टेज बहुत सब कम समय तक के लिए होता है। इस प्रकार के जीवन चक्र को हम लोग हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल कहते हैं।